ये भारत की माता की शक्ति है। भारत की माताओं ने त्याग तपस्या संस्कृतियों सभ्यताओं की पौध लगाई है। भारत की माँ संस्कृतियों की पौध लगाती है, सभ्यताओं की खेती करती है। भारत की नारी हमेशा से ही प्रशंसनीय रही है। भारत की संस्कृति अगर जीवित है, भारत में भक्ति अगर जीवित है, तो शायद कहीं ना कहीं माताओं में, माताओं का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। माताओं के द्वारा भारत की संस्कृति को एक नया संबल मिलता है। ये माताओं की ही प्रभुता थी। उमा रमा ब्रह्माणी को झोली फैलाने पर मजबूर कर दिया, भारत ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। ये भारत की नारी कर सकती है। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी महाराज यूएन में सर्वधर्म सम्मेलन के लिए गए, तो स्वामी जी महाराज एक देश के दौरे पर गए, मैं नाम नहीं लूंगा, कैमरा लगे हुए होते हैं, तो स्वामी जी महाराज देखा क्या कि एक जगह पर एक नारी का पति मर चुका है और उसकी कब्र बनी हुई है, वो कब्र पर पंखा कर रही है। स्वामी जी उसके पास में गए, स्वामी जी ने कहा, मैडम आई एम इंडियन, मैं इंडिया से आया हूँ, मेरे भारत में पति के जीते जी नारी पति की सेवा करती है, लेकिन आपका पति मर चुका है, आप कब्र में पंखा कर रही हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस नारी ने उत्तर दिया, स्वामी जी हमारे देश का एक कानून है, अगर किसी का पति मर जाता है, जब तक पति के कब्र की मिट्टी गीली रहती है तब तक वो दूसरा नहीं कर सकती, और जिस दिन मिट्टी सूख जाए तो वो दूसरा कर सकती है, तो हमारा पति मर गया है और हमें दूसरा करना है, इसलिए हम पंखा लेकर के आए हैं कि ये मिट्टी जल्दी सूखे तो हम दूसरा कर लें। ये भारत की संस्कृति की कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, जहां विदेशों में महाराज पति के मरने के बाद दूसरा करने की होड़ लगी हुई है, और वहां भारत की माताओं को मैं बार बार वंदना करता हूं। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी भारतवर्ष में, इसी गोंडा जनपद में, इसी परतपुर में, इसी महाराज पूरे धीरजा मिश्र में एक दो चार माताएं ऐसी जरूर होंगी जो उम्र के बीच पड़ाव में 35 साल में 40 साल में विधवा हो गई, उन्होंने सफेद साड़ी पहन ली और इसी गांव में इसी परसपुर में पूरा जीवन गुजार दिया, लेकिन मजाल उनके सफेद साड़ी पर कोई दाग आया हो। ये भारत की नारी कर सकती है। ये भारत की नारियों में संस्कृति सभ्यताओं की पौध लगाने की जिम्मेदारी है। एक बार एक विदेशी से हमारा झगड़ा हो गया। वो विदेशी कहने लगा कि आप लोग हमेशा भारत की नारी की प्रशंसा क्यों करते हैं, हमेशा भारत की नारी की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? अरे विदेशों में क्या नारियां नहीं होती? रूप में, रस रंग में, कलर में, डिजाइन में कोई फर्क होता है? आप हमेशा भारत की नारी की प्रशंसा क्यों करते हैं? हमने कहा विदेशों में भी नारियां होती हैं, लेकिन हम प्रशंसा भारत की नारी की को करेंगे। तो उसने कहा भारत की नारी और विदेश की नारी में क्या फर्क होता? हमने कहा सुन लीजिए, विदेश में एक नियम होता है, एक कल्चर होता है, वो आपको पसंद करती हो आप उसे पसंद करते हो, रिश्ते में बहन हो, चाची हो, मौसी हो, बुआ हो, कोई भी हो, केवल वो आपको पसंद करती हो आप उसे पसंद करते हो, दोनों की रजामंदी हो तो विवाह हो जाता है, विदेशों में ये नियम होता है। लेकिन भारत में, विदेशों में एक नियम है कि महाराज जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर जिसे भी आप पसंद करो वो आपको पसंद करे आप शादी कर सकते हैं। लेकिन भारत में, भारत विदेशों में जहां पर जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर बाकी सब पत्नियां होती हैं, वहीं भारत में एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब माएं होती हैं। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है। भारत संस्कृतियों का देश है, सभ्यताओं का देश है, सभ्यताओं की पौध लगती है, संस्कृतियों की खेती यहाँ पर की जाती है। कौन भारत की तुलना कर सकता है महाराज? भारत की संस्कृतियों की तुलना करने के लिए बहुत दिन लगेंगे, बहुत का समय तक भारत की संस्कृतियों की वंदना करनी पड़ेगी। वो विदेशी हमें कहने लगा, हम तो आपके भगवान को ही नहीं मानते, आपका भगवान ही ठीक नहीं है। हमने कहा हमारे भगवान से तुझे क्या तकलीफ? बोले हमें बहुत तकलीफ है, इतने बढ़िया बढ़िया देश है महाराज, इतने डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका है, यूएन है, चाइना है, इंग्लैंड है, पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी आ जाए, ये हमेशा भारत में ही क्यों आते तुम्हारे भगवान? अयोध्या में, मिथिला में, काशी में, वृंदावन में, मथुरा में, हरिद्वार में, हमेशा भारत में ही क्यों आते, विदेशों में क्यों नहीं आते? हमने कहा बड़े भाई एक बात बता, मेडिकल साइंस को मानता है? बोले हाँ मानता हूँ। हमने कहा एक बता, मेडिकल साइंस का एक नियम है, जन्म देने के लिए माता चाहिए, तो हमें पूरे विश्व में एक माता बता दे, अफगानिस्तान माता, भूटान माता, चाइना माता, तिब्बत माता, ऑस्ट्रेलिया माता, पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, पेरिस माता, अमेरिका माता, स्विट्जरलैंड माता, एक माता बता दे, पूरे विश्व में केवल एक माता है, वो भारत माता है, इसीलिए भारत में भगवान आता है। भारत की संस्कृति है,
भारत की सभ्यता है, भारत सभ्यताओं का देश है, ये संस्कृतियां यहाँ जन्म लेती है महाराज।